अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। तो जैसे कि आपको पता है कि शादी है, तो एक दिन लड़की की मेहंदी थी, फिर मैंने कल आपको ढोलकी भी दिखाई है, और आज है फाइनली मेरे हस्बैंड के कज़न की मेहंदी। तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ कुछ बहनों को मेकअप भी सिखा दूँ, कि मैं अभी पार्लर में आई हूँ। जो जो तो जेल में रहता होगा, मैं एड्रेस दे दूँगी, आप लोग भी ज़रूर इधर आइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और स्टाफ भी इनका बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, और मैम तो खुद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी ये आईज मेकअप कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह मैं रेडी होती हूँ तो अपना फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो खुद तो मैं अभी नहीं रेडी हो रही है, मेरी छोटी सिस्टर है वो हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलें आपको आज आईज मेकअप भी दिखा दिया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आईज मेकअप जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा उन्होंने आईज मेकअप किया है। आईज ओपन करो। हाँ जी, आपने अब ज़रूर बताना है कि आपको ये आईज मेकअप कैसा लगा है। हाँ जी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने ज़रूर इधर विजिट करना है। आपके सलून का क्या नाम है? यूनिक ब्यूटी सलून। यूनिक ब्यूटी सलून, और किस जगह पे है? झेलम ज़ादा महमूदाबाद में। आप जरूर जो बोले, ये महमूदाबाद में जेल ब्यूटी सैलून महदुमाबाद ज्यादा में। हाँ जी, और आप लोग जरूर आइएगा, और माशाल्लाह इनके रेट भी जो है ना बहुत मुनासिब हैं। चलें फिर आपको अपने फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आगे मैंने आपको दिखाया ये स्मोक जो है उन्होंने आइस मेकअप किया है। आइस बंद करें आप। उसी के साथ हमने ये म्यूट सी लिपस्टिक अप्लाई किया है, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये लग रही है। मैं फाइनल आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने पे मेकअप करूँगी तो आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आपने ज़रूर इस पार्लर पर आके विज़िट करना है और इधर ज़रूर आना है आपने। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी होके पार्लर से अभी घर आई हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है, ये मैंने घर में खुद ही सूट स्टिच करवाया। तो आप बोल रहे होंगे जब ये सरगोधा गई थी तब ये पार्लर से तैयार नहीं हुई, ये कह रही थी मैं खुद धो जाती हूँ, लेकिन नहीं, तो मैंने बोला घर में बहुत सारा काम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पार्लर से ही तैयार हो जाए। तो आपने ज़रूर बताना है कि मैं मेहंदी के फंक्शन के लिए कैसी लग रही हूँ। तो जो अच्छे अच्छे मोमेंट होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और प्लीज़ माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, इधर का एक असूल बहुत अच्छा है कि खाना पहले दे देते हैं और नाच गाना बाद में होता है। तो इसलिए मैंने तो खाना दे के इतनी भूख लगी है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। तो चने और मैं ऐसे ये मुर्गी को पकड़ के ज़बह किया हुआ है, और साथ मुझे इतनी भूख लगी थी तो मैं नान को पहले ही तोड़ दिया। हाँ, नान ही है तो बहुत मज़े का खाना है। चले मैं ये फिनिश कर लूँ, फिर जो अच्छे अच्छे मोमेंट होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। जी फ्रेंड्स, इधर ये स्वीट भी है, हलवा, ये बहुत मज़े का है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा है कि ये आपके साथ शेयर नहीं किया तो पहले कर लूँ। तो चलें फिर मैं आप ये भी खा लूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है चाय। अभी हमने खाना तो डन हो गया है, तो चाय आ गई है, तो मैंने सोचा कि चले फैमिली के साथ ये चाय भी शेयर कर दूँ। पिंक चाय पी के है तो बहुत मज़े किया पीने, इस ठंड में ना पीने के बाद सुकून आ जाएगा। चलें फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक।
मैं मामा मामा को बोलूंगा।